हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के। इन एक्सेल में एक ट्रिक है, अब वो ट्रिक क्या है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन है, आप यहां पर देख सकते हैं एक डेटा हमारे पास है, छोटा सा डेटा है। इस पर बॉर्डर लगाना है तो शॉर्टकट क्या यूज करते हैं, इस डेटा में कहीं पर भी क्लिक करके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लीजिएगा, ये पूरा डेटा हो जाएगा सेलेक्ट। अब आपको एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है जिसका नाम है अल्ट, फिर प्रेस कीजिएगा एच, फिर प्रेस कीजिएगा आप बी, फिर प्रेस कीजिएगा आप ए। तो यहां पर देख सकते हैं बॉर्डर ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अगर रिसाइज करना चाहते हैं तो अल्ट एच ओ आई प्रेस कर सकते हैं, ये रिसाइज भी हो जाएगा। देख सकते हैं ये सिर्फ शॉर्टकट प्रेस करने से ही ये रिसाइज हो जा रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हम ये चाहते हैं कि हम इसे जो है यहां से हटा करके या फिर हम इसे जो है कॉपी करके पेस्ट करें यहां पर, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, यहां पर राइट क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर यहां पर आकर के पेस्ट करते हैं, जो कि काफी ट्रेडिशनल वे है कॉपी और पेस्ट करने का, ठीक है। इससे हट करके एक तरीका बताता हूं आपको, आप इस पूरे डेटा को यहां पर कहीं भी क्लिक करके कंट्रोल ए कर लीजिए, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि कंट्रोल की दवाए रखना है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है सेम डेटा कॉपी हो गया है, ठीक है। अगर आप इसी को इसके बगल में या नीचे लेके आना चाहते हैं तो ये कीजिए और कंट्रोल के साथ ये नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यही डेटा सेम नीचे भी आ गया है, देख सकते हैं। तो बस आपको ऐसे ही करते जाना है और ये सेम डेटा कॉपी होता जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये हो गया, अब यहां से क्या करना है आपको, इसको नीचे की तरफ यहां से क्या करना है, ड्रैग कर लेना, ये जो है ना ये उठाइए और यहां पे कंट्रोल आपको दबाए रखना है, ये ध्यान रखना है कि कंट्रोल दबाए रखिएगा। हो गया, आप देखिए इसके नीचे भी कॉपी हो रहा है, ये तो हो ही गया, इसके नीचे भी हो रहा है। कंट्रोल आप दबा के रखेंगे तो इसके नीचे और कॉपी के बाद पेस्ट होता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा, पेस्ट होता जाएगा लाइन से, ठीक है। तो ये है ना आसान ट्रिक, यानी आपको कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है बार बार, ठीक है ना। उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी, ठीक है। यही चीज कट के लिए भी कर सकते हैं, कट के लिए क्या करना है आपको, ऐसी स्थिति में आपको सेलेक्ट करना है और यहां पर देखिए ये फोर हेडेड एरो जब बनेगा तो इसको उठाइए और जहां भी लेके जाना चाहते हैं इसको जाइए। जैसे मान लीजिए हम यहां लेके आना चाहते हैं, यहां आ जाइए, ठीक है। यहां नहीं लेके जाना चाहते थे, इसके नीचे ले जाना था तो फिर यहां आइए, और ऐसा हेडेड एरो बने तो फिर नीचे लेके आ जाइए, यानी जहां ले जाना हो आसानी के साथ आप इसे लेके जा सकते हैं इजिली, बिना शॉर्टकट की के मदद के या बिना जो है कोई और बटन प्रेस किए आप इसे लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत आसान है, उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे कैसे